डभोई नगर पालिका द्वारा एक बार फिर दोबारा से अतिक्रमण बढ़ाकर बैठे वैसे तमाम बांधकाम को दूर करने के लिए कामगिरी जारी की गई। डभोई नगर पालिका द्वारा एक बार फिर दोबारा से दबन बढ़ाने वाले वैसे नगर के बाजारों में प्लेटफॉर्म और मौड़ी भागोल के पास लारी गल्ला हटाने के लिए कामगिरी का आयोजन किया गया, जहां नगर पालिका की अवैध अतिक्रमण को दूर करने की कामगिरी के साथ यहां पर भगदड़ का माहौल देखने को मिला था। मौड़ी भागोल जैसे विस्तार में एक बार फिर अतिक्रमण को दूर करने के बाद दोबारा से यहां पर अतिक्रमण का बढ़ावा किया गया, जहां आज नगर पालिका की टीम पुलिस काफिले के साथ यहां पर 50 से भी अधिक गैर कानूनन कैबिन को दूर करते हुए रोड लाइन खोली की थी। आज रोज डभोई नगर पालिका द्वारा मौड़ी बागोल बारनिया विस्तार में जो सरकारी जगह पर जाहिर रस्ता पर दबाणों करवामां आवेला था दूर करने प्रक्रिया हाथ धरवामां आवेल छे, जेनी अंदर आज सुधी जे चार दिवस ड्राइव करवामां आवी टोटल 550 उपरांत दबाणों दूर करवामां आवेल छे। आ उपरांत जे प्राइवेट मालिकीनी जगह में बिन परवानगीथी थयेला बांधकामों ए सीवाय भागोळ चार भागोळनी अंदरना विस्तारों के ज्यां आगळ रोड रस्ता सरकारी जमीनों पर दबाण करवामां आवेल छे, ए लोको मारी नम्र विनंती छे के पोतानी रीते नुकसान ओछू थाय ए रीते ए दबाणो दूर करे। त्या उपरांत सरकार श्री द्वारा अत्यारे जे इम्पेक्ट नो कायदो लावामां आव्यो छे के जेमां प्राइवेट मार्जिन मां जे बांधकाम गैर परवानगी लीधा विधा करवामां आवेल छे एने रेग्युलराइज करी शकाय छे तो एनो पण लाभ ले। ए सीवाय डभोई शहेरनी जनताने एक बीजी जे पण छे કે જેમના પણ પાટલા બાકીના માંગણા બાકી નીકળે છે વ્યવસાય વેરાના પ્રોપર્ટીના કે અન્ય કોઈ પણ એ પૂર્ણ કરે, કેમ કે આગામી ડ્રાઈવમાં એના વિરુદ્ધ પણ સખ્ત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। આજ લારી ગલ્લા કસમ આવ્યા બેપો વિસ્તારથી ગત સપ્તાહે એ લોકોને કહેરે પુલ સ્થાપિત કરવાના, એ પુલ સ્થાપિત કરવાની સરકારશ્રીની અલગ અલગ ગાઈડલાઈન છે તેને અત્યારે અમે સ્ટડી કરવાનું ને એના વિકલ્પ શોધવાની કામગીરી ચાલુમાં છે। ટૂંક સમયમાં એનું કઈ નિરાકરણ લાવવાનો નગરપાલિકા દ્વારા પ્રયત્ન કરવામાં આવશે।